नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। उत्तर भारत की राजनीति को धर्म बनाम जाति, सामाजिक न्याय बनाम विकास, समावेश बनाम अलगाव के संदर्भ बिंदुओं से राजनीतिक पंडित समझते और समझाते रहे हैं। तो उत्तर भारत की राजनीति कौन सा करवट ले रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक अभय कुमार दुबे से। आपसे पहला सवाल ये है कि मंडल की राजनीति का क्या हुआ? क्या मीडिया और पैसे के द्वारा जो गढ़ा गया नैरेटिव है, उसके भीतर मंडल की राजनीति गुम हो गई है? देखिए, मंडल की राजनीति की कुछ अपनी समस्याएं थी जो लंबे अरसे से उनकी चुनावी सफलताओं में दबी हुई थी और उन समस्याओं को हम लोग देख नहीं पा रहे थे। होता यह था कि वो लोग कुछ आकर्षक किस्म की सीटें जीत जाते थे, कुछ अच्छे किस्म के वोटों का प्रतिशत उन लोगों को प्राप्त हो जाता था जो मंडल राजनीति के नेता थे। अगर ठोस रूप से कहें तो आप उन्हें लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती कह सकते हैं, या उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो इन लोगों को पूरे 90 के दशक में और नई शताब्दी के पहले दशक में चुनावी सफलताएं कमोबेश मिलती रहीं। अपने दम पर भी इन लोगों को बहुत प्राप्त हुआ और गठजोड़ राजनीति का भी इन लोगों ने नेतृत्व किया। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार पर 15-15, 20-20 साल तक सत्ता में ये लोग कायम रहे। तो इन लोगों का जो गवर्नेंस का मॉडल था वो जनता ने अच्छी तरह देख लिया और उन लोगों ने भी देखा जो कि पिछड़ी जातियों के हैं। कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? लोगों को ये समझ में आया कि ये दरअसल सामाजिक न्याय के नाम पर दबंग जातियों का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण है। देखिए, क्रिस्टोफर जेफरलो की किताब है जो कि इसी मंडल राजनीति के ऊपर है मोटे तौर पर, तो उसमें कहीं एक दबी हुई सी लाइन है कि मंडल राजनीति का व्यवहारिक मतलब क्या है। मंडल राजनीति का व्यवहारिक मतलब है यादवों का सशक्तिकरण। और इसी बात में आप जोड़ दीजिए, मंडल राजनीति का दूसरा व्यवहारिक मतलब है जाटवों का सशक्तिकरण। जबकि दूसरी जो कमजोर जातियां थी, ना उन्हें टिकट मिलता है, ना उन्हें आरक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं, ना उन्हें कोई नौकरियां प्राप्त होती हैं, ना उन्हें संगठन में कोई पद मिलता है, और वो एक तरह से एक अदृश्य बनी रहती हैं और सामाजिक न्याय के नाम पर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो लगातार इन लोगों को वोट देती रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इस अंतर्विरोध को समझा और इन जो छोटी संख्या बल में कमजोर और बुरी तरीके से पिछड़ी हुई जातियों की तरफ ध्यान दिया, उनको एक राजनीतिक आश्वासन दिया। उस राजनीतिक आश्वासन के तहत ये जातियां भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। जैसे ही ये जातियां भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई, जिस चीज को आप मंडल राजनीति कहते हैं या तथाकथित रूप से सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, वो मुख्य तौर पर यादव प्लस मुसलमान या जाटव प्लस मुसलमान की राजनीति बनकर रह गई। यानी ये राजनीति एक संकीर्ण किस्म की पुलिया पर खड़ी हो गई और समाज के दूसरे हिस्सों से उसके संबंध टूट गए। यहां तक उस हिस्से से भी उनके संबंध टूट गए जो कि ऊंची जातियों का नहीं था। तो इस नतीजा यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों, शूद्र जातियों और दलित जातियों का एक बड़ा गठजोड़ बनाने में कामयाब रही, जिसको मैं हिंदू राजनीतिक एकता कहता हूं, जो कि 40 से लेकर 50 फीसदी के बीच में होता है। यही कारण है कि सामाजिक न्याय की राजनीति जो कि 20 साल पहले तक काफी कामयाब लगती थी और लगता था हर बार ये भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रोक देती है, आज इस स्थिति में खड़ी है कि वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। अभी भी उसे सीटें मिल जाती हैं, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को अच्छे वोट प्राप्त हुए और सीटें भी सम्मानजनक प्राप्त हुई, लेकिन सत्ता से वो बहुत दूर हो गए। अभी भी भाजपा का और अखिलेश यादव के बीच में कम से कम 8% वोटों का अंतराल है। आप ही की बात से मैं शुरुआत करूं तो ये कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि इस दौरान जो जातियों के बीच है प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ी है, इनके बीच नफरत घृणा ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसे समय में जब इस तरह की प्रवृत्तियां चल रही हो, तो जो एक बात कही जाती है दलित बहुजन एकता की, क्या वो संभव है? देखिए, ये एक सैद्धांतिक गढ़ंत है जिसको दलित बहुजन एकता कहते हैं। वैसे अपने आप में एक विरोधाभास है। जब आपने बहुजन शब्द का इस्तेमाल कर ही लिया तो दलित तो उसके अंदर शामिल है।
ऐसा नहीं है कि दलित उससे बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत अजीबोगरीब तरीके से इनके सिद्धांतकारों ने दलित बहुजन नाम का एक पद विकसित किया है, जिसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। बहुजन का मतलब ही है कि दलित पिछड़ी जातियों के साथ में और कमजोर जातियों वाले मुसलमानों के साथ में एक एकजुट है, इसी का मतलब है बहुजन थीसिस। और ये बहुजन थीसिस, इस बहुजन थीसिस के जरिए कांशीराम ने एक जातिगत बहुसंख्यकवाद, एक कास्ट मेजोरिटीरिज्म का पूरा ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, उस राजनीति को करने की कोशिश की। देखिए, भारत की राजनीति दरअसल बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता है। कश्मीर में मुसलमानों का बहुसंख्यकवाद है, उत्तर पूर्व में नागालैंड जैसी जगहों पर ईसाइयों का बहुसंख्यकवाद है, पंजाब में सिखों का बहुसंख्यकवाद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक हिंदू बहुसंख्यकवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं की तर्ज पर कांशीराम ने एक बहुजन बहुसंख्यकवाद खड़ा करने की कोशिश की। बहुजन शब्द अपने आप में एक बहुसंख्यकवादी राजनीति को, राजनीति की नुमाइंदगी करता है। सवाल यह है कि क्या ये बहुसंख्यकवाद कामयाब होगा? 90 के दशक में और इस शताब्दी के पहले दशक में ऐसा लगा था कि इसकी राजनीतिक दावेदारी बड़ी जबरदस्त है और लंबे अरसे तक कायम रहेगी, लेकिन जल्दी ही इसकी राजनीतिक दावेदारी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। उसका प्रमुख कारण वही है जो आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा था, कि ये बहुसंख्यकवाद दरअसल, जो इस बहुसंख्यकवाद के अंदर जो अल्पसंख्याएं हैं, जो छोटे छोटे समूह हैं, जो संख्या बल में कमजोर हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही दुर्बल हैं, ये बहुसंख्यकवाद उनकी कोई चिंता नहीं करता है। जो सत्ता के लाभों का बंटवारा है, उस सत्ता के लाभों के बंटवारे में उनकी कोई जगह नहीं रहती है। दलित राजनीति की स्थिति यह है कि उसके ऊपर जाटों की मजबूत और ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में जो प्रभावी समुदाय है, वो पूरी तरीके से उसका उसका दबदबा रहता है, और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके ऊपर यादवों का और लोधियों का दबदबा रहता है। बाकी सभी जातियां अपने आप को ऐसा महसूस करती हैं कि जैसे कि उन्हें छोड़ दिया गया हो, उन्हें बहुत मुश्किल से अपना जो जो राजनीतिक दावा है उनमें से कुछ जातियों को मिल पाता है और बाकी बहुतों को तो मिलता नहीं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। इसी का नतीजा होता है कि ये लोग हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ चले जाते हैं। बहुत लंबे अरसे तक इन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर यादवों और जाटों नेताओं को वोट दिए और उन्हें सत्ता में लाए, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। तो इसका मतलब आपकी बात से जो तो सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं हुई, जाति की राजनीति ने धर्म की राजनीति के लिए लोगों को नैतिक समर्थन और उसके प्रति आकर्षित किया है, क्या ऐसा सोचना ठीक होगा? नहीं, पता नहीं आप धर्म की राजनीति का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक इन लोगों का सवाल है, जो पिछड़ी जातियों की पार्टियां हैं और दलित जातियों की पार्टियां हैं, तो इस तरीके से धर्म की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक गोलबंदी करती है, वो धर्म के नाम पर हिंदू धर्म का बोलबाला हो और हिंदू बहुसंख्यकवाद का बोलबाला हो, इस प्रकार की वो राजनीति करती है। इस प्रकार की राजनीति की सफल इसलिए हो पाती है क्योंकि ये लोग सामाजिक न्याय की कसौटियों पर इनकी राजनीति खड़ी नहीं करती। जो सामाजिक न्याय का ये आश्वासन देते हैं, दरअसल व्यवहार में सामाजिक न्याय करते हुए नजर नहीं आते। सामाजिक न्याय तो छोड़ दीजिए, राजनीति में एक लेवल प्लेइंग फील्ड, राजनीति में सबको स्थान प्राप्त होगा, सब लोगों को अपनी बात कहने की और अपनी दावेदारी की छूट होगी, सबको राजनीतिक नुमाइंदगी प्राप्त होगी, ये जो एक न्यूनतम आवश्यकता है, इस न्यूनतम आवश्यकता को भी ये लोग पूरा नहीं कर पाते। उसी का नतीजा ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती चली जाती है और इन लोगों के ग्राफ में कभी 19-20 का फर्क पड़ता रहता है। एक बात और सर, कि उत्तर भारत की राजनीति से अगर निकली हुई कोई राष्ट्रीय पार्टी है और मीडिया का नैरेटिव बनाने का तरीका है, तो वैसी स्थिति में वो राष्ट्रीय पार्टी, क्या ये हर बार संभव होगा कि वो क्षेत्रीय पार्टी से, जो एक राष्ट्रीय स्तर का नैरेटिव नहीं गढ़ पाती है, उससे हमेशा आगे रहेगी? भाई दिखाई तो ये पड़ रहा है, पिछले 4 चुनावों में, जिसमें 2 लोकसभा के हैं और 2 विधानसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि असाधारण जीतें दर्ज की हैं और हर तरह का गठजोड़ उसके खिलाफ अजमा लिया गया है। कांग्रेस के साथ गठजोड़ हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ हुआ है, अभी इस चुनाव में पिछड़ी जातियों की एकता का एक गुलदस्ता बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी युक्ति, कोई भी गठजोड़ भाजपा के खिलाफ कामयाब होता हुआ नहीं दिखता। इसका सीधा और साफ कारण है कि जो लोग सामाजिक न्याय के तथाकथित आंदोलन के नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक साख गिर चुकी है, उनकी व्यक्तिगत साख गिर चुकी है,
आम लोग उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, केवल उनकी बिरादरी जुड़ती है, और क्योंकि भाजपा द्वारा बहिष्कृत है, उनका बहिष्कार कर दिया गया है, ऐसी मुसलमान बिरादरी उनके साथ जुड़ जाती है। इसलिए होता यह है कि जैसे ही उनके रोड शो होते हैं, जैसे ही मुसलमान यादव वो तेज चेहरे आक्रामक तरीके से नारे लगाते हुए सामने आते हैं, वैसे ही भाजपा के भीतर के अंतर्विरोध भी समाप्त हो जाते हैं। लोग उन अंतर्विरोधों को ताक पर रख देते हैं और कहते हैं अगर ये लोग सत्ता में आए तो क्या होगा, इसका नमूना वो 15-20 साल तक इनकी सत्ता जो चलती रही है उसको वो देख चुके हैं। नतीजे के तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन करने के तौर तरीके के खिलाफ जो भाजपा के अपने ऊंची जातियों का जो जनाधार था उसके अंदर जो असंतोष था, जो आखिर तक असंतोष अपने आप को व्यक्त करने के लिए तैयार हो रहा था, अचानक उन लोगों ने सोचा कि हमें अपने इस असंतोष को थोड़ा सा स्थगित कर देना चाहिए, और उन्होंने सबने भाजपा को वोट कर दिया। भाजपा के बहुत से उम्मीदवार जो कि हार का मुख देख रहे थे, अचानक कोई 1300 वोटों से, कोई 2000 वोटों से, कोई 2500 वोटों से चुनाव जीत गया। तो ये जो हुआ है, अगर आप चुनाव नतीजों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ न होकर 5 साल पहले इनकी जो सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और ये एक बात और भी अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि सामाजिक न्याय की राजनीति में ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए कि भाजपा जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अपना पूरा विमर्श देश को लेकर के, आर्थिक नीतियों को लेकर के करे या ना करे, गलत सपने बेचे, लेकिन जो ये सामाजिक न्याय करने वाले लोग हैं इनके द्वारा कभी ऐसा विमर्श पैदा नहीं किया जाता है। अधिकांशतः लोग बस ये सोचते हैं कि जाति और आरक्षण तक आकर के ये सीमित हो गए हैं। तो इनमें क्या बदलाव करने की जरूरत है? पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति का जो आधार है वो उसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं वैचारिक आधार में, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा प्रबल नकारात्मक पहलू है। वो ये है कि वो ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ी हुई राजनीति है। वो राजनीति हमेशा ऊंची जातियों को शत्रु के रूप में चिन्हित करती है, शोषक के रूप में और उत्पीड़क के रूप में चिन्हित करती है, और उसकी प्रतिक्रिया में अपनी गोलबंदी करना चाहती है। इसके विपरीत अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस किस्म की कोई राजनीति करने की बजाय उसकी कोशिश है कि ऊंची जातियों की गोलबंदी को कमजोर जातियों की गोलबंदी के साथ जोड़ा जाए और एक बड़ी हिंदू एकता निकाली जाए। लंबे अरसे तक भाजपा अपनी इन कोशिशों में नाकाम रहती आई है। वो इस काम को एक सीमा तक ही कर पाती थी जिससे उसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता था, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक न्याय के नेताओं की राजनीति की पोल खुली और लोगों को ये लगा कि ये सिर्फ कुछ एक बड़ी दबंग बिरादरी को ही लाभ पहुंचाने वाली राजनीति तक केंद्रित रह गए हैं, वैसे ही वो तमाम बिरादरियां जो इनको वोट दिया करती थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई। जैसे ही वो भाजपा की तरफ चली गई, ऊंची जातियों के साथ मिलकर भाजपा का जो गठजोड़ बना वो एक दुर्जेय गठजोड़ बन गया, एक ऐसा गठजोड़ बन गया जो चुनाव दर चुनाव भाजपा को असाधारण जीतें दिलवा रहा है। थोड़ा सा सर महिलाओं के बारे में हम आते हैं, हम देखते हैं कि जो ये सामाजिक न्याय की राजनीति है इसमें महिला कभी केंद्र में नहीं आती है, उसको लेकर के कोई बात नहीं की जाती है, और ये गवर्नेंस पे भी कभी कोई बात नहीं होती है। तो क्या इसका ये कह सकते हैं कमी है? आप कह क्या सकते हैं, आपको कहना ही चाहिए, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, ये तो तथ्य है। सवाल व्यक्तिगत हमारी और आपकी निजी पसंद नापसंद का नहीं है, ये एक तथ्य है। आप देखिए जितने दिनों तक उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के नेताओं की हुकूमत रही, जितने दिनों तक बिहार में सामाजिक न्याय के नेताओं की हुकूमत रही, उस वक्त तक सबसे ज्यादा मार अगर किसी चीज ने खाई है तो गवर्नेंस ने खाई है, सबसे ज्यादा मार अगर किसी चीज ने खाई है तो कानून और व्यवस्था ने मार खाई है, और सबसे ज्यादा किसी चीज ने मार खाई है तो स्त्रियों की जो राजनीतिक दावेदारी है उसने मार खाई है। भाई ऐसा क्यों होता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति की नुमाइंदगी करने वाला एक सांसद स्त्री आरक्षण का बिल लेकर संसद में फाड़ता है? स्त्री आरक्षण के सवाल लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक विरोध अगर कहीं से आता है तो सामाजिक न्याय के नेताओं की तरफ से आता है। मैं तो समझता हूं कि सामाजिक न्याय का शब्द इन लोगों के लिए इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, ये शब्द इन लोगों पर फिट नहीं बैठता। ये दबंग जातियों की राजनीति है, दबंग जातियों की राजनीति है जिसके अंदर बहुत सारा स्त्री विरोधी स्वर है। ये लोग काफी हद तक दकियानूस किस्म के हैं, अपने सामाजिक किरदार में दकियानूस हैं,
कहीं से ये प्रगतिशील और रेडिकल नहीं है जैसे कि इनसे उम्मीद की जाती है, और समता मूलकता का इन लोगों से दूर दूर का नाता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये सारी खूबियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक समता मूलकता के सवाल पर और दूसरे प्रश्नों के ऊपर अभी तक कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, महिलाओं के वोट उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन देखने की बात है कि जो सामाजिक समता होती है उसकी कसौटियों पर यह पार्टी कैसे खरी उतरेगी। लेकिन इन लोगों से तो बहुत उम्मीदें थी, उन्हीं उम्मीदों के चलते इन लोगों को एक कलक पार्टी के तौर पर भी बहुत प्राप्त हुआ और गठजोड़ सरकारें भी इन लोगों ने खूब चलाई। लेकिन परिणाम क्या निकला, एक जमाने में उत्तर प्रदेश का प्रशासन अपनी तमाम कमियों के बावजूद जैसा हुआ करता था हम जानते हैं, आज उसकी स्थिति पहले के मुकाबले बहुत खराब है, बिहार की भी यही स्थिति है। तो मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि इन लोगों की राजनीति की विफलता का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी की सफलता। आगे चलें सर, देखें कि ये आप जो बात कह रहे हैं, क्या ऐसी संभावना निकलती है कि आर्थिक नीतियां जिस तरीके की हैं, लोग गरीब बहुत ज्यादा हैं, और एक बात हिंदुत्व बनाम जाति की है, वैसी स्थिति में क्या ऐसी राजनीति की संभावना पनपती हुई दिखाई देती है जो क्लास की हो, वर्ग की हो, क्या इसकी संभावना दिखती है? अच्छा, आप ये बताइए अजय भाई, ये जो तथाकथित सामाजिक न्याय की राजनीति के पैरोकार हैं, इन लोगों के पास क्या कोई आर्थिक दृष्टिकोण है? ठीक बात, इसमें बहुजन समाज पार्टी के पास तो कोई भी आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है। जब कांशीराम जीवित थे उनसे कहा गया कि भाई आपका आर्थिक घोषणा पत्र क्या है, तो उन्होंने कहा वो अभी बनाना है, हम एक सम्मेलन करेंगे इसके लिए, वो सम्मेलन आज तक नहीं हुआ। मायावती ही तो कोई आंदोलन भी नहीं करती, ये सिर्फ सेफोक्रेटिक किस्म की पार्टी है, चुनाव के वक्त और उससे पहले ही सक्रिय होती है। किसी भी प्रश्न पर कोई आंदोलन न करना, घर में बैठे रहना, और जो दलित ब्यूरोक्रेसी है उसके दम पर अपने आप को टिकाए रखना, और जब चुनाव आए उसके 5-6 महीने पहले सक्रिय हो जाना। इस बार तो उन्होंने वो भी नहीं किया, नतीजा क्या निकला आप देख सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी है उसकी भी यही स्थिति है, अखिलेश यादव अक्टूबर से पहले नजारे से पूरी तरीके से गायब थे, उनके बारे में संसद के केंद्रीय हॉल में कहा जाता है कि ये 5 PM टेनिस क्लब के सदस्य हैं, 5 बजे ये लोग टेनिस खेलने लगते थे, और फिर ये अक्टूबर में प्रकट हुए, और आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी इन्होंने उस नाराजगी का नेतृत्व तो करना चाहा। अगर ये पूरे 4.5 साल सक्रिय रहते, सड़कों पर निकलते, कुछ संघर्ष करते, कुछ तकलीफें उठाते, तो हो सकता है कि इस जो नाराजगी, CSDS का सर्वे कहता है 39% लोग मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहिए। ये तो विपक्ष के नेताओं का कर्तव्य था कि 39% की आंकड़े को बढ़ाकर 57% तक ले जाते। अगर ये इस एंटी इनकम्बेंसी को 55-57% तक ले जाते तो ये भाजपा को हराने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा की सरकार ने विभिन्न युक्तियों का सहारा लेकर, जिसमें मुफ्त राशन वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं, अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको नरम किया। आप देख सकते हैं जनता उनसे कितनी नाराज थी, उनके 11 मंत्री हार गए, उनके उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, पहले से 2% ज्यादा वोट मिले फिर भी 57 सीटें उन्हें कम प्राप्त हुई, करीब 80 सीटें इस तरह की हैं जहां भाजपा के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से जीते, 3 जिले ऐसे हैं जहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला। ये थी भाजपा आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की तस्वीर। इस तस्वीर का लाभ उठाने से ये लोग पूरी तरीके से नाकाम रहे। आप एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं सर कि सामाजिक जो बदलाव होता है बहुत धीरे धीरे होता है, आपने अपने कई वक्तव्यों में कहा है, वो राजनीति से प्रभावित होता है लेकिन बहुत धीरा होता है, दिखता नहीं है। आप ही के बाद से मैं एक मतलब चुनाव से इर्द गिर्द समाज पे आके पूछूं, तो आखिरकार उत्तर भारत के समाज में क्या है कि उसका जो अभिजात्य वर्ग है, जो आर्थिक तौर पर सशक्त है या जाति के तौर पर सशक्त है, वो उसके दबे कुचले वर्ग को, गरीब वर्ग को या निम्न जाति वर्ग से उतनी अधिक सहानुभूति नहीं रख पाता, क्या वजह है? देखिए, सभी जगह पर जो ऊंचा तबका होता है उसके और नीचे तबके के बीच में एक बड़ा अंतराल होता ही है। ये तो राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि उस अंतराल को इस तरीके से संसाधित करें कि दोनों के बीच में एक सूत्र बने, एक संपर्क सूत्र बने। हर तबके के कुछ प्रगतिशील तत्व होते हैं, कुछ रेडिकल तत्व होते हैं, समाज की समझ रखने वाले तत्व होते हैं, वो लोग बाहर निकलकर राजनीति करते हैं और अपनी राजनीतिक प्लेट इस तरीके से सजाते हैं कि सब लोगों को लगे कि जब जो वो राजनीति कर रहे हैं उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। आखिरकार ये लोकतंत्र क्या है? ये हित आधारित लोकतंत्र है।
सभी पार्टियां और समुदाय, सभी दल, सभी जातियां अपने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित के लिए, हित को हित हित लिए तलाश रहे हैं कि उन्हें उस हित को पूरा करने में अंशता या पूर्णता कहां पे गुंजाइश मिल सकती है। जहां उन्हें गुंजाइश मिलती है वहां पर जाते हैं। हम लोगों की समस्या है कि हम सेकुलरिज्म के आईने से देखने की कोशिश करते हैं, हम उदारतावाद के आईने से उसको देखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सब लोगों को अपना राजनीतिक हित साधना है। सब लोगों से मतलब सब समुदायों से है, उन्हें अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित साधना है। अगर उन्हें भाजपा में हित सत्ता हुआ दिखाई पड़ेगा, वहां संभावना दिखाई पड़ेगी, तो थोड़े बहुत हीले हवाले, थोड़े बहुत इंतजार के साथ भाजपा में चले जाएंगे। अगर उन्हें दूसरी जगह दिखाई पड़ेगा तो वहां चले जाएंगे। सामाजिक न्याय के नेताओं ने दिखाया है कि जब जब इन लोगों के पास सत्ता आती है तो सिर्फ इनका ही हित सत्ता है और किसी का हित नहीं सत्ता। यही कारण है, यहां तक लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आप हित की बात तो छोड़ दीजिए, जो एक न्यूनतम बुनियादी जरूरत है नागरिक समाज की, कि अगर किसी के खिलाफ अपराध हो, थाने में जाए तो उसकी अर्जी ले ली जाए और उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। जो कमजोर जातियों का कहना यह है कि जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो हमारी थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। भाजपा के शासनकाल में हमारी रिपोर्ट लिख जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े फायदे पहुंचाती हैं। ये बहुत, आपने जो बात कही कि जो उदारतावाद, समाजवाद, सामाजिक न्याय, ये सारे शब्द क्या विश्लेषण और अमूर्त शब्द हैं, लेकिन समाज उसको परिलक्षित नहीं करता है, दिखाता नहीं। बुद्धिजीवी है और हम लोग वेस्टर्न सोशल थ्योरी में हमारा प्रशिक्षण हुआ है, पश्चिमी सामाजिक, पश्चिम से आए जो सामाजिक सिद्धांत हैं, उस सामाजिक सिद्धांत के जरिए हमारी पढ़ाई हुई है। जो नागरिक शास्त्र है या राजनीतिक शास्त्र है, उसमें यही सब तो भरा हुआ है। ऐसा तो है नहीं किसी भारतीय इतिहास और के आधार पर ये पूरा शास्त्र बना हो। इसलिए हमारी जो विश्लेषण की श्रेणियां हैं वो यही हैं। हम इन्हीं के जरिए पूरे समाज को, राजनीति को और इन सब के घटनाक्रम का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तुक्का लग जाता है, तो लगता है कि ये सब सही साबित हुआ, लेकिन अक्सर गलत साबित होता है और पिछले 10 साल से तो लगातार गलत साबित हो रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि जब 2004 में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया था और अपनी गठजोड़ सरकार बना ली थी, उस वक्त उसको सेकुलरिज्म की जीत के रूप में पेश किया गया। ये पेश किया गया कि भाई सेकुलर ताकतों ने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त कर दिया या चुनाव नहीं जीतने दिया। जबकि CSDS के जो आंकड़े हैं, जब हम लोग उनका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुओं की गोलबंदी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा थी। 2009 में जब UPA ने NDA के ऊपर ज्यादा चमकदार जीत हासिल की, उस वक्त भी हिंदुओं की गोलबंदी भाजपा के पक्ष में UPA कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा थी। तो हिंदुओं की गोलबंदी का सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन अपनी एक सेकुलर खुशफहमी के चलते हमारे आपके जैसे लोग ये सब देखने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि 2014 में साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि हिंदुओं की कितनी बड़ी गोलबंदी उनके पक्ष में हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कम नहीं हो रही है। तो एक सामाजिक अध्येता के तौर पर बहुत लंबे समय से इन सारे बिंदुओं को देख रहे हैं, एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग किस तरीके से, किन नजरियों से समाज को भांपे कि उसको, उसकी जो सही स्थिति है वह ला पाए सामने। मतलब वो कौन से मोटे बिंदु है जहां पर हम गड़बड़ कर देते हैं? लगता है सबसे पहले तो हम लोगों को विश्लेषण की जो हमारी श्रेणियां हैं उनको संशोधित करना पड़ेगा। कुछ श्रेणियों को तो पूरी तरीके से छोड़ देना पड़ेगा। मैं नतीजे के तौर पर कहता हूं, आप कहते हैं कि फलाने साहब पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये बात कही जाती है नहीं कही जाती? ठीक बात। तो जैसे ही हम कहते हैं पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो उससे ये बात निकलती है जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनके नेता होंगे, जबकि असलियत ये होती है कि वो केवल एक जाति के नेता होते हैं। आप कहते हैं कि फलाना नेता दलित दलित नेता है। जब कहते हैं दलित नेता है कि दलित शब्द के, दलित छाते के नीचे तो बहुत सारी पूर्व अछूत जातियां आती हैं, तो उससे ये छवि निकलती है कि ये सब अछूत जातियों के नेता होंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि वो एक जाति के नेता है। तो जो एक जाति के नेता है उसको हम पूरे पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर देखने लगते हैं, जो एक जाति का नेता है पूरे दलित समाज के नेता के तौर पर देखने लगते हैं। और फिर दूसरे हम ये भी फतवे देते हैं, हम लोग बौद्धिक फतवे देते हैं कि ये जीत सेकुलरिज्म की जीत है, ये जीत सांप्रदायिकता की हार है, बिना इस बात को समझे हुए कि वोटर इस दृष्टि से वोट नहीं डालता है। हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको हम वोटर के निर्णय के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अंदर से कुछ ऐसे नतीजे निकालते हैं
जो हमारे अपने लिए शायद खुशनुमा हो, लेकिन दरअसल समाज की सामाजिक यथार्थ से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो हम लोगों को अब जैसे ये दलित बहुजन क्या, ये दलित बहुजन क्या है, बहुत ही हास्यास्पद किस्म का, यानी एक तो आप दलित शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक मतलब ये निकलता है कि बहुजन शब्द में दलित शामिल नहीं है। मैंने कई बार उन लोगों से पूछा है कि बहुजन शब्द में दलित शामिल नहीं है, इसीलिए तो आप दलित हाइफन बहुजन लगा रहे हैं। तो जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कांशीराम के जमाने में दलित बहुजन शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, सीधे बहुजन शब्द इस्तेमाल होता था। तो इस प्रकार के ये सेमिनारी कंस्ट्रक्ट हैं, ये सेमिनार रूमों में, सेमिनार विचार गोष्ठियों का जो कक्ष होता है, सेमिनार रूमों में बनाई गई थीसिस हो, वहां बनाई गई थ्योरी है, इसका सामाजिक राजनीति से, समाज को समझने से, इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे अनवाल इसका कि ये पिछले 3 दशकों में जो उत्तर भारत का मतदाता का व्यवहार बदला है, उस व्यवहार बदलने में आखिरकार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपने कदम में, अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव करें कि वो भी सत्ता की लड़ाई में मजबूती तौर से दिख सकें, क्या हो सकता है ये? मैं तो यही कहूंगा कि समाज के नेता का काम ये होता है कि वो अपने संगठन के समाज के साथ संपर्कों को बढ़ाता है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उत्तर भारत के संदर्भ में, मैं कहूंगा कि समाज के साथ उनके संबंध टूट गए, वो केवल एक निश्चित समुदाय की पार्टियां बनकर रह गई हैं। आप फर्क बताता हूं मैं आपको, जब मुलायम सिंह यादव नेता थे, मुलायम सिंह यादव जब बड़े नेता थे और प्रभावी नेता थे, उस वक्त वो अपने प्रभाव के इलाकों में अपनी चुनावी प्लेट इस तरह सजाते थे कि सभी पिछड़ी जातियों को लगता था कि हमें इसमें कुछ प्राप्त होगा। उसमें शाक्यों को भी टिकट मिलता था, लोधियों को भी प्रमुखता मिलती थी, निषादों को भी मिलती थी, जो पाल यानी गरड़िया होते थे उनको भी प्राथमिकता मिलती थी। इस तरीके से वो वास्तव में केवल यादव नेता न रहकर पिछड़ी जातियों के नेता के रूप में उभरते थे। धीरे धीरे ये सब चीज खत्म होती चली गई और केवल MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण ही बनकर रह गया पूरा का पूरा। आप उसकी सीमाएं साफ हो गई हैं, वो आपको राजनीति पर टिकाए रख सकता है, आप विपक्ष के नेता बने रहने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे, आप अनंत काल तक विपक्ष के नेता बने रहिए और मुस्लिम यादव वोट प्राप्त करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका अपना जनाधार भी, जब आप लगातार चुनाव हारते रहेंगे, 4 चुनाव हार चुके हैं, आपका अपना जनाधार भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा। अभी आप देखिए, अभी विधानसभा चुनाव था, यादवों के वोट बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को मिले, समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में इतने वोट प्राप्त नहीं होंगे यादवों के, उसका काफी बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाएगा। इसी तरीके से राजभरों ने पूरे वोट दिए हैं इस बार समाजवादी पार्टी की गठजोड़ को लोकसभा चुनाव में, ओम प्रकाश राजभर के कहने पर वे लोग भाजपा विरोधी वोटिंग नहीं करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, भाई राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने तो विधानसभा चुनाव के बाद में, लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा गठजोड़ छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने जाति भाइयों को मोदी के खिलाफ वोटिंग करने के लिए नहीं मना पाए। इन तमाम चीजों को हम लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। ये थी मंडल की राजनीति, किस तरीके से बदल रही है सामाजिक न्याय और पिछले 3 दशकों में राजनीति किस तरीके से बदल रही है, उस पर वरिष्ठ चिंतक अभय कुमार दुबे से बातचीत। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो न्यूज़ क्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वेबसाइट को लाइक कीजिए। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।